Good morning, students, and welcome to social science class. In our previous class, we had completed the part A, B, C, and D of chapter 2, and today we will complete the remaining part of chapter 2 from value-based question. So there is a passage. First of all, we will read it, and after that, we will given the answers of these questions. Okay? So let's start our passage. Raju was not able to walk or talk. He joined a special school where his mother carried him on her back. His teacher, Bridge Sir, taught him to read and write. It was very difficult for him, but his classmates, his physiotherapist, Devi Ma'am, encouraged and helped him do physical exercise to strengthen his hand and leg muscles. Love, care, and patience have changed Raju's life. He can move around the school on his wheelchair now. तो इस पैसेज में हमें बताया है कि राजू जो है वो चलने में और बात करने में सक्षम नहीं था, यानी वो बात भी नहीं कर सकता था और चल भी नहीं सकता था. ही ज्वाइंड अ स्पेशल स्कूल, उसने एक स्पेशल स्कूल ज्वाइन किया जहाँ उसकी मदर जो थी उसे अपनी पीठ पर उठाती थी, उठा कर ले जाती थी. उसके जो टीचर थे ब्रिज सर, वो उसे पढ़ना लिखना सिखाते थे. उसके लिए ये सब कुछ मुश्किल था, पर फिर भी उसके क्लासमेट जो उसके साथी थे और उसकी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी जो उसको मतलब एक्सरसाइज वगैरह के लिए वो करते थे, देवी मैम थी, तो वो उन्हें अनकरेज करते थे फिजिकली एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि जो है उसकी उसके हैंड्स और उसके लेग के जो मसल्स हैं वो क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, उनमें जो है शक्ति आ सके, मजबूत बन सके वो. लव, केयर एंड पेशेंस हैव चेंज राजूज लाइफ, इस तरह से प्यार, केयर और पेशेंस ने जो है राजू की लाइफ को चेंज कर दिया. अब क्या है, वो अपने आप से व्हील चेयर से जो है स्कूल में चारों ओर क्या है अपने आप से मूव कर सकता था, घूम सकता था. तो अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे. व्हाट स्पेशल फैसिलिटीज़ डज राजू नीड इन द स्कूल, स्कूल में राजू को किन स्पेशल फैसिलिटीज़ की जो है ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अलग से सेंड करूँगी, यहाँ मैं ओनली आपको आंसर्स बता रही हूँ. राजू नीड्स लव, केयर, पेशेंस एंड मोटिवेशन इन द स्कूल. ठीक है, तो ये आंसर जो है आपके इस पैसेज में से ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन राजूज क्लासमेट्स हेल्प हिम, राजू के क्लासमेट जो थे उसकी हेल्प कैसे करते थे, तो वो बताएंगे हम. फोर्थ लाइन में बेटा इसका आंसर है, दे एनकरेज्ड एंड हेल्प्ड हिम डू फिजिकली एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन हिज हैंड एंड लेग मसल्स. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सपोज यू आर अ फ्रेंड ऑफ अ हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड, How would you help him to overcome the difficulties that he she might face in school? मान लो कि आपका एक फ्रेंड है जो कि जो है hearing impaired child है, जो सुन नहीं सकता. How can you help, आप उसकी मदद कैसे करोगे आने वाली difficulties को face करने में school में. ठीक है, तो हम आप कैसे करेंगे, I would try to guide and inspire him to be independent and brave. कि जो है हम आप अपनी तरफ से लिखेंगे कि मैं उसकी जो है गाइड करने में, इंस्पायर करने की कोशिश करूँगा, ताकि वो जो है अपने आप से एक इंडिपेंडेंट और ब्रेव बॉय बन सके. नेक्स्ट हम करेंगे समथिंग टू डू, यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस हैं. मोस्ट साइटेड पीपल बिलीव दैट ब्लाइंड पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड दैट ब्लाइंड पीपल कैन लेड अ नॉर्मल लाइफ, गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ ईच आंसर. यहाँ बताया पूछा गया है कि बहुत सारे जो लोग देख सकते हैं वो ये सोचते हैं कि ब्लाइंड पीपल को, अंधे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की ज़रूरत होती है. तो बाय आंसरिंग फॉलोइंग क्वेश्चन, इन नीचे वाले नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देकर आप समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकते हैं. ठीक है, तो हमें एक आंसर देना, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और एक रीज़न भी बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट है, कैन अ ब्लाइंड पर्सन वॉक विदाउट स्पॉट, तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि जब अगर वो किसी भी स्पॉट के बिना चलेंगे तो क्या है वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है या कुछ और भी जो है इंसिडेंट उनके साथ हो सकता है. ठीक है, कैन अ ब्लाइंड पर्सन टॉक, तो यस, टॉक तो वो कर सकते हैं, क्योंकि टॉक किससे करनी है, आई से नहीं करनी है, किससे करनी है, मुँह से. तो नेक्स्ट है, कैन शी ही ईट हिज ऑन ऑन हिज ऑन, वो अपने आप से खा सकते हैं, तो यस, खा सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है आंखों का जो है काम नहीं है. कैन शी ही लिसन प्रॉपरली, यस, क्योंकि हम कहाँ से सुनते हैं,
कानों से सुनते हैं, आँखों से नहीं सुनते हैं। तो यहाँ ओनली जो है ब्लाइंड पीपल की बात की गई है, ठीक है। कैन शी ही रीड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्क्रिप्ट ब्रेल? तो इसका आंसर भी आएगा यस, क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए क्या कौन सी स्क्रिप्ट बनाई गई है? ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई गई है, जिसके ऊपर अपनी फिंगर्स चला के वो जो है कुछ भी रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं कुछ भी लिखा हुआ। तो इसका आंसर भी यस आएगा, क्योंकि ये जो है स्पेशल ब्लाइंड पर्सन्स के लिए है। नेक्स्ट है कैन शी ही राइट? तो इसका आंसर भी यस आएगा, क्योंकि अगर वो पढ़ सकते हैं, फील कर सकते हैं ब्रेल को, तो फिर वो राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है लिस्ट थ्री इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू विल कीप इन माइंड इफ़ यू टेक अ ब्लाइंड पर्सन टू अ मार्केट। तो यहाँ कौन से तीन पॉइंट्स हैं जो आप अपने माइंड में रख के चलोगे यदि आप एक ब्लाइंड पर्सन को अपने साथ मार्केट में लेके जा रहे हो? तो यहाँ हम थ्री पॉइंट्स लिखेंगे। आई विल ऑलवेज कीप विद मी, मैं उसे जो है अपने साथ हमेशा रखूँगा, ताकि जो है वो इधर उधर कहीं उसे चोट ना लग जाए या वो गिर ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे आई विल हेल्प हिम इन परचेजिंग थिंग्स, चीज़ों को ख़रीदने में मैं जो है उसकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट आएगा आई विल हेल्प हिम वाइल क्रॉसिंग द रोड, मैं उसकी मदद करूँगा जब भी रोड को क्रॉस करना होगा। तो नेक्स्ट है हमारा विजिट अ ब्लाइंड स्कूल, अ स्कूल फॉर हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर चिल्ड्रन और एन ओल्ड एज होम, वॉच केयरफुली हाउ डिड द विजिट सेंसिटाइज यू टू देयर नीड्स। किसी भी ऐसे स्कूल की विजिट कीजिए जहाँ जो कि एक ब्लाइंड स्कूल हो, जहाँ पर जो ऐसे बच्चे रहते हों जो हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड हो, जो ना बोल सकते हो ना सुन सकते हो, या फिर ओल्ड एज होम की यानी कि वृद्ध आश्रम जिसे हम कहते हैं, जब बुजुर्ग लोग रहते हैं, उस आश्रम की जो है विज़िट कीजिए, उसे ध्यान से देखिए क्या आपको जो है उनकी जो नीड्स हैं वो आपको कैसे सेंसिटाइज करती है, यानी आपको कैसे जो है उनके प्रति सेंसिटिव बनाती हैं। तो ये आपने अपने आप से करना है। नेक्स्ट है हमारा गुड टच और बैड टच। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसे टच होते हैं जो हमें कन्वे करते हैं। चलो पहले हम इसे रीड करते हैं। टच कैन कन्वे मैनी थिंग्स, यू लाइक द टच ऑफ सम पीपल बट द टच ऑफ सम पीपल मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स इफ़ यू हैव कम अक्रॉस अ बैड टच व्हाट डिड दे टेल यू। हाँ जी बेटा, टच कैन कन्वे मैनी थिंग्स, टच जो होता है कोई भी वो हमें बहुत सारी चीज़ें कन्वे करता है। लाइक यू लाइक द टच ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों का टच हमें जो है अच्छा लगता है, बट द टच ऑफ सम पीपल मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, परंतु कुछ लोगों का टच करना जो है हमें अनकम्फर्टेबल लगता है, हमें जो है सुरक्षित नहीं लगता। शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए इफ़ यू हैव कम अक्रॉस अ बैड टच, अगर आपको कोई बुरे तरीके से टच करता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करेंगे कि वो आपको इस बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं आपको। तो इसके लिए मैं आपको बैड टच और गुड टच के लिए एक टेलीविज़न शो की क्लिप है सत्यमेव जयते की, जो मैं आपको इसके साथ इस वर्क के साथ सेकेंड चैप्टर के वर्क के साथ सेंड कर रही हूँ। उसे हर बच्चे ने जो है देखना ज़रूरी है, और पेरेंट्स से भी जो रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को जरूर दिखाएं। आज का जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर टू का जो रिमेनिंग पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कल जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।